किसान आंदोलन की आहट को लेकर हरियाणा में लगातार पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश के 7 जिले अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र, हिसार, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिले में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ अब चंडीगढ़ से सटे पंचकुला में धारा 144 लागू कर दी गई है। पंचकुला DCP सुमेर सिंह प्रताप के अनुसार पैदल या ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ जुलूस, प्रदर्शन, मार्च पास्ट निकालने और किसी भी तरह की लाठी, रॉड या हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच के ऐलान के बाद राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने से रोकने के लिए पंजाब हरियाणा सीमा क्षेत्रों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पंजाब हरियाणा सीमाओं को आंशिक रूप से सील कर दिया गया है। सीमाओं पर बैरिगेट्स, बोल्डर रेत से भरे टिप्पर और कंटीले तार लगाकर बंद किया गया है। इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। इससे पहले शनिवार को हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर ने पुलिस महानिरीक्षक शिवास कविराज और अंबाला के पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह किसानों के प्रस्तावित मार्च को देखते हुए अंबाला के पास शंभू बॉर्डर का दौरा कर चुके हैं। बॉर्डर को सील करने के साथ साथ ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। हरियाणा पुलिस की तरफ से पंजाब और हरियाणा के प्रमुख मार्गों पर संभावित यातायात व्यवधान की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस दौरान ये भी कहा गया है कि 13 फरवरी को ज्यादा जरूरी होने पर ही यात्रा करें। MSP के लिए कानून गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, कृषि ऋण माफी, किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेना, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, किसानों की मुख्य मांगे हैं, जिसको लेकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठनों ने प्रदर्शन को चेतावनी दी है। ये मांग है जो किसान कर रहे हैं और इन्हीं सब चीजों का विरोध कर रहे हैं, जिस पर यह पूरा बवाल अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABP लाइव।